मिलेगा, दूध मिलेगा, दूध मिलेगा, दूध मिलेगा, दूध पे इतना फोकस कर रहा था, दर्द के बारे में भूल गया। ऐसा नहीं कि दर्द नहीं हो रहा था, दर्द हो रहा था, और उस दर्द को सहन करने की शक्ति मिल जाती है। जब गोल इतना बड़ा हो जाए तो सारे डिस्ट्रैक्शन छोटे पड़ जाते हैं, सारे दर्द, तो दर्द को छोटा नहीं कर सकते पर गोल को बड़ा। वो कुछ लोगों ने ऐसे बोला है ना, बोले लकीर, पता है वो पजल है, बोलते हैं एक लकीर हम खींचेंगे, बताओ इस लकीर को छोटा कैसे करेंगे, उसके आगे बड़ा लकीर खींच दो तो उसका आगे छोटा अपने आप बढ़ जाए, छोटा बढ़ जाए। वैसे ही जीवन में प्रॉब्लम्स तो रहेंगे, दर्द भी रहेगा, परेशानियां रहेंगी, उनसे जूझना मुश्किल है, परंतु गोल इतना बड़ा होना चाहिए कि ये सब उतना फर्क पड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो हम वहीं पे इतना जूझ रहे हैं, मतलब ये प्रॉब्लम है, लोग उसी में चर्चा करते रहते हैं, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को लेकर इतना बड़ा करके सोचते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के। अरे तो प्रॉब्लम पे डिस्कस मत करो, सॉल्यूशन पे डिस्कस करो, राय कैसे बढ़ना है सोचो, गोल की ओर बढ़िए। अभी पहला बात तो ये है कि आप लोगों ने गोल सेट किया है कि नहीं किया है, कितने लोगों ने गोल सेट कर लिया आपके लाइफ का? वेरी गुड, वेरी गुड एवरीबॉडी, क्या बात है, मोस्ट ऑफ यू। व्हाट्स योर गोल? टू बी अ पायलट, क्या बात है। तो पायलट बनने के लिए अभी क्या कर रहे हैं आप? पायलट बनने के लिए अभी क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? 9th 10th 10th। पायलट बनना आसान है, मुश्किल है पता है? आसान तो कुछ भी नहीं है ये संसार में, आसान तो सही मायने में कुछ भी आसान नहीं है, हर जगह बहुत कंपटीशन है और असंभव भी कुछ नहीं। हमको समझ है सब कुछ मुश्किल ही है पर असंभव नहीं है, उसको मैं कर लूंगा, वो कॉन्फिडेंस भी चाहिए, दोनों सत्य के आधार पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हवे में कॉन्फिडेंस तो ओवर कॉन्फिडेंस बोलते हैं, अरे कुछ नहीं यार, हर चीज में देख लूंगा, आसान है यार, मैं तो ऐसे ही कर लूंगा, ये ओवर कॉन्फिडेंस। पहले समझो ये क्या है, क्या चाहते थे कल, और कॉम्पिटिशन सही है, तो उसके लिए मुझे इतना मेहनत करना पड़ेगा, इतना मेहनत किए बिना वहां तक पहुंचना पॉसिबल नहीं है, मैं कर लूंगा, मैं इतना मेहनत करने के लिए तैयार हूं, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं और वो हासिल करके ही रहूंगा, ये कॉन्फिडेंस है। सत्य के आधार पे जब हो कॉन्फिडेंस होता है, हवे बात करे तो और कॉन्फिडेंस होता है, बात ही ना करे तो कहानी खत्म, गरज ही नहीं, गोल सेट करने की गरज नहीं, कुछ होती सबसे पहले तो आपको गोल सेट करना है, सिर्फ अल्टीमेट गोल नहीं, पायलट बनना है, आईएएस अफसर बनना, ये भी अच्छी बात है, पर अभी क्या बोले, अभी हम पढ़ाई नहीं करेंगे, डायरेक्टली उसी दिन हम पढ़ाई करेंगे, है ना। अभी कोई बच्चे ने बोला मुझे कि सर मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, तो आईएएस के लिए क्या एग्जाम देना है? यूपीएससी एग्जाम देना है। तो मैंने बोला अभी फिर क्यों पढ़ाई नहीं कर रहे? सर अभी क्या पढ़ाई करेंगे, जब यूपीएससी एग्जाम आएगा ना उसके पहले मैं इससे पढ़ाई करूंगा, एग्जाम क्रैक कर डालूंगा। ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। The way you do one thing, the way you do everything. हमारा बिहेवियर जो है हर जगह, हमारी मानसिकता एक जैसे होता है। अगर आज मेरी मेहनत करने की टेंडेंसी नहीं है, कल होगा गारंटी नहीं है, होगा भी नहीं। तो ये टेंडेंसी है, ये बिहेवियर है, वो पैटर्न्स रिपीट होते हैं। अगर आज आप आपके 9वीं 10वीं कक्षा में जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो निष्ठापूर्वक निभा रहे हो तो कल भी आप निभाओगे, परसों भी आप आज बोलेंगे आज नहीं करेंगे, आज क्या है इतना क्या रखते, कल कर लेंगे। ऐसा होता जो आज नहीं कर सकता कल भी, कोई गारंटी उसका नहीं। बिहेवियर रिपीट होता है, पैटर्न्स रिपीट होते हैं, राइट। तो बताइए कितने लोग फिलहाल हम टारगेट रखते हैं, एक तो अल्टीमेट गोल होता है वो सेट कर लो, और एक इमीडिएट गोल होता है। इमीडिएट गोल के यहाँ पर 9वीं से 10वीं जाएंगे कुछ लोग, 9th में मतलब 9th में गए क्या? बराबर, मतलब अभी 9th एग्जाम 10th में जाएंगे, 10th वाले अभी 10th की बोर्ड एग्जाम देंगे, राइट, नेक्स्ट ईयर। तो सबसे पहले छोटे छोटे गोल हासिल करने के, तब बड़े गोल तक
पहुंचोगे। अगर आप 90 में है तो पहले टारगेट रखो 90 के एग्जाम में मुझे कैसे मार्क्स लाने हैं, राइट, क्या हासिल करना है, छोटे गोल। 90 में आपने क्रैक किया, कॉन्फिडेंस अपने को भी आता है ना, पेरेंट्स को भी कॉन्फिडेंस आता है, टीचर्स को भी आता है, आपको भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हाँ भाई, मतलब मेरे अंदर क्षमता है, क्योंकि 10वीं क्लियर करेंगे, 10वीं के बोर्ड एग्जाम में कम से कम कितने आने चाहिए, 10वीं में आप तो कम से कम 56% तो आने चाहिए ना। क्यों 100 क्यों नहीं, जब कम से कम 100% के नहीं मिला तो फिर आपने क्या एग्जाम दिया, कम से कितना आना चाहिए, 99.99% स्मार्ट स्मार्ट बच्चे है। Unless you keep a target of 100%, बहुत लोग जब ऐसे बोलता हूँ, मैं 12th को अच्छे से बोलता हूँ, अरे कम से कम 100% मार्क्स से लेके आओ, सब कम से कम 100% अधिक से अधिक क्या होता है, तो नहीं बस उसका मीनिंग ये है, अगर आप मेंटेलिटी को समझोगे, माइंडसेट बोलते हैं इसको, अनलेस यू हैव द माइंडसेट, मेरे अंदर अगर खुद को कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं 100% मार्क्स ला सकता हूँ, क्यों ला सकते, जब पेपर लीक हो चुका है, ऐसा सिलेबस तो वही है ना, पेपर लीक जो वैसा लीक नहीं हुआ है, पर सिलेबस तो पता है ना पहले से, ये सिलेबस पे ही एग्जाम आएगा, और पिछले 10-15 साल क्वेश्चन पर हम सॉल्व करेंगे, ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन हर साल, वही सब सारा कंटेंट पहले से लीक है, उसमें से ही पेपर आने वाला है, तो 100 मार्क मिले प्रॉब्लम क्या है, तो समझाता हूं कि मैं सोच रहा हूं कम से कम एक 10-15 बच्चे तो भी अगले साल 10वीं में 100% लाएगा, और महाराष्ट्र में इंडिया में क्या आता है कि नहीं आता बच्चों को, कोई बच्चों को आता है ना इंडिया में 100%, अगर वो बच्चा ला सकता है तो आप क्यों ला सकते हो, उसने कुछ अलग करना चाहता है क्या, नहीं ना, सेम ही है ना, प्रॉब्लम की तरह पता, जैसे आप टारगेट आप कम कर लेते हो ना, सेम मैडम, डू यू नो हाउ टू डू दिस, स्टार्ट, हाँ सामने, हंड्रेड परसेंट रिजल्ट्स लाने के लिए क्या चाहिए बताओ, 100% रिजल्ट लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रिपरेशन तो ऐसे नहीं करता, हाँ 100% रिजल्ट लाने के लिए 100% एफर्ट डालना पड़ेगा, और ये एफर्ट्स होना चाहिए सही एफर्ट्स, राइट एफर्ट्स विद राइट स्ट्रेटजी, वो बोलते ना स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क सुना हो ना, द स्मार्ट वर्क इज नॉट ए रिप्लेसमेंट ऑफ हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क इज हार्ड वर्क डन इन ए सिस्टमैटिक मैनर, हार्ड वर्क सही तरीके से किए जाए तो उसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क, तो पर 100% एफर्ट्स हम डालते हैं कि क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सभी नवी और दसवीं छात्र ऑनेस्टली अपने दिल पे हाथ रख के बोलना, बोलो दिल पे हाथ रख के बोलो, बोलो तुम्हारे हिसाब से, सोच समझ के बोलना, तुम्हारे हिसाब से तुम खुद की क्षमता के 100% देते हो क्या, आपका 100% पोटेंशियल आप यूज करते हो कि पढ़ाई करने के लिए, कितना परसेंट यूज करते हो, दिल में हाथ रख के बोलो, झूठ नहीं बोल सकते, दिल फट जाएगा, 95% बहुत ज्यादा होता है, और नेक्स्ट आप बताओ दिल में हाथ रख के, हाँ 96 ऑक्शन चल रहा है क्या, आपको लग रहा ऑक्शन चल रहा है 95 बोले 96 रुपए बोले 97 अरे ऑक्शन नहीं, मतलब आप कितना अपना परसेंट देते हो, राइट, और देखते हैं भैया इस तरफ आते हैं और इधर बीच में, हाँ आप बताइए योर सर, हाँ दिल कहाँ पे तुम्हारा, अरे तुम्हारा दिल, हाँ उल्टा रख रहे थे, हाँ
90%। और कौन है छोटू, कौन सा क्लास में? अभी फिफ्थ बी में। आप बताओ, नहीं बताओ, आप बताओ, दीदी बताओ। 50-60%। बराबर है कि नहीं?
नाक उल्टी कर देंगे, ढूस लेंगे। फिर 20 गुलाब जामुन खाना उतना मुश्किल नहीं है, क्यों पता है? आपके पास एक बहुत बड़ा मकसद दिख रहा है, ये खाने पे ये फायदा होने वाला है। फायदा इतना बड़ा है कि तपस्या करने में कोई दिक्कत नहीं, इसलिए पहले गोल चाहिए, उसके बाद डिपेंड है। 10 लाख तो बहुत बड़ा हुआ ना, 10 लाख बहुत बड़ा फायदा हुआ, उसी लिए आप उतना मेहनत करें। किसी ने बोला 10 रुपए देंगे तो रख ले तेरे पास, 10 रुपए देगा, समझना पड़ेगा गोल सेट करने के फायदे क्या है और वो गोल से मुझे क्या फायदा होने वाला है मेरे लाइफ में। अगर मैंने उसको हासिल कर लिया, बताओ अगर आपको 100% मिल गया 10वें में, 10वें वाले कौन है? आपको 100% मिल गया 10वें में तो क्या फायदा होगा? कुछ नहीं। क्या फायदा होगा? आपके पेरेंट्स आए साथ में? मैडम आप बताइए, मान लीजिए आपके बच्चे को 100% आ गए रिजल्ट, तो आप घर का माहौल कैसा हो? मान लो आज रिजल्ट आ गए 100%, आपका भारत में फर्स्ट रैंक, तो आप घर का माहौल कैसा हो? सर एक्सप्लेन नहीं कर सकते, सभी खुशी के मारे मेरा कंठ जो है गड़गड़ हो रहा है, कुछ आवाज निकल नहीं रहा है, मतलब कैसा माहौल होगा? पर एनी पेरेंट, एक तो भैया घर पे खुशियों की लहरें ऐसे उठेंगे, आपको तो एकदम आसमान पे चला देंगे, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, जो चाहिए वो मिलेगा, हर इच्छा पूरी हो जाएगी, सब न्यूज वाले आएंगे, है ना, खुद से आएंगे सब न्यूज वाले इंटरव्यू लेने के लिए। लड़की को हमारे नगर की लड़की है, पूरे भारत में टॉप 100% स्कोर किया है, सब न्यूज वाले आज तक जी न्यूज ये विजुलाइज करो उस चीज को, सब तुम्हारे घर पे आ रहे हैं, बोले मैडम आपको इंटरव्यू चाहिए, आप बोलेंगे नहीं आज टाइम नहीं मेरे पास, कल आ जाए, आज ऑलरेडी बुकिंग है अपने स्लॉट्स। कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, वाह, कल वो वेटिंग लिस्ट में, कल 11 बजे आके आप तक सजा के बैठे हो, पेरेंट्स बैठे हैं, फिर आप बता रहे हैं, फिर आप बोलेंगे, वो पूछेंगे आप जीत का कारण कौन है, 100% आने के लिए आपके पीछे कौन है, फिर आप इमोशनली बताएंगे मेरी माँ, फिर आपकी माँ 5 मिनट के आंसू बहाएंगे, फिर आपको ब्यूटीफुल, ऐसा हम सपने देखते रहते, हम सपने में देखते हैं इन चीजों को, काश ऐसा होता, क्या ये सारे सपने सच हो सकते हैं? ये सच होने लायक सपने हैं कि नहीं? कुछ सपने ऐसे हैं जिनको हम सच कर सकते हैं, कुछ सपने ऐसे हैं जो सच होना पॉसिबल, कभी सपने में देखते हैं उड़ रहे, देखा आपने हमारे पंख आ गए, हम हवा में उड़ रहे हैं, ये पॉसिबल? कितना भी जेनेटिकली हम बायोलॉजिकली चेंज कर ले भी क्या फ्लाइट एरोप्लेन उड़ सकते हैं, ऐसे उड़ना पॉसिबल नहीं है, परंतु ये पॉसिबल। अब IAS ऑफिसर बन जाना, बड़ा ये बन जाना, वो बन जाना, बहुत दूर की बात है, वो बनने से पहले अभी जो हमारे पास है उसमें बेस्ट हम क्या बन सकते हैं, क्या कर सकते हैं, छोटा छोटा गोल हम अचीव करते जाएंगे तब बड़े गोल तक हम आसानी से पहुंच पाएंगे। तो क्यों आप पहले ही सोचना ही बंद कर दो कि 100% मुझे नहीं मिल सकता है, अगर किसी और को मिल रहा है पॉसिबल, असंभव तो पहले ही हम असंभव सोच के अपने एफर्ट्स को डाल देते हैं, जैसा हमारा गोल होगा एफर्ट्स भी वैसे ही होगा ना, ये बोलेंगे 85% ही चाहिए, अगर ये 85% टारगेट करेंगे तो इसके एफर्ट्स 85% के हिसाब से ही होगा, और 85% के हिसाब से एफर्ट होगा तो हमेशा उतना ही रिजल्ट मिलना जरूरी, या तो उतना मिलेगा या तो उससे कम मिलेगा, उससे अधिक मिलेगा, बोलते अंग्रेजी में If you shoot at moon, at least you land up on a star. आपका निशाना अगर चंद्रमा पे हो कम से कम तारों पे तो आप गिरो, और एकदम हाइट होना चाहिए, विश्वास करो कि मैं कर सकता हूं, मैं क्या मैं कर सकता हूं, यस सर
हाँ है तो काउंसलिंग करवा के फिर हाँ बोलिए, कोई मुश्किल बात नहीं है, सिलेबस बहुत आसान है, टारगेट हाई सेट करो और उसके हिसाब से मेहनत करो। ये पहला पुष्टि, इस साल का आपका रेजोल्यूशन आप बना लीजिए, कम से कम 100%। अच्छा फाइनल एग्जाम में 100% लाना है तो पहले यूनिट टेस्ट में लाना पड़ेगा, बराबर ना? अब फाइनल में लाएंगे इसमें अभी नहीं पढ़िया थोड़ी होता है, हर यूनिट टेस्ट के अंदर अच्छा स्कोर आएगा तो फाइनल एग्जाम अच्छा स्कोर अपने आप आएगा। तो अभी यूनिट टेस्ट अगला क्या देखना है और अगले यूनिट टेस्ट की प्लानिंग करने का, अगले यूनिट टेस्ट में सिलेबस है उसको हम कैसे तैयारी कर सके। यू प्लान फॉर योरसेल्फ, एक बात याद रखो, जो योद्धा होता है ना वो किसी और पे डिपेंडेंट है, गुरु होते हैं गुरु गाइड करते हैं करते हैं, और 100% उन पे डिपेंड होके तो प्रैक्टिस चलता नहीं है। आप अर्जुन को जानते हो, अर्जुन जो अपने घर के बाजू में रहता हो, फिर कौन सा अर्जुन भाई आपको तो पता है महाभारत में वो 7 पांडव थे, अच्छा 5 ही पांडव थे, अब आपको पता है सर, वेरी गुड। तो 5 पांडव में एक का नाम क्या था, अर्जुन। तो एक बार ना ये 5 पांडव रात को गुरुकुल में भोजन कर रहे थे, अब उस टाइम तो ऐसे CFL ट्यूबलाइट वगैरह नहीं था ना, लालटेन ऐसे आग लगा रहे थे और गुरुकुल के बाहर का भोजन करते थे, सब बहुत हवा चल रही थी, हवा की वजह से वो जो हाँ मशाल या फिर आग बुझ गई चले गए। तो फिर सब भोजन बीच में ही कर रहे थे, अभी अंधेरा हो गया पूरा जंगल के मध्य में बिल्कुल होता था उस टाइम, तो अंधेरे में बाकी जो 4 पांडव थे भीम को छोड़ के उन्हें भोजन करना बंद, उन्हें अंधेरे में कैसे खाएंगे, पता नहीं क्या है क्या नहीं, कुछ अंदर चल रहा है, पर सिर्फ भीम कहाँ रहे थे मस्त, उन्हें कुछ नहीं फर्क पड़ रहा था अंधेरा है या उजाला, टक 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 है, और पता नहीं अंधेरे में कुछ बाकी लोग अभी निकल नहीं होंगे। जब वापस रोशनी उन्होंने जलाया सब कुछ ठीक किया तो तूफान टल गई, तो उन्होंने देखा कि भीम से ने अपना पूरा भोजन कंप्लीट कर लिया बाकी सब रखे। तो अर्जुन ने इसको देख के सोचा अगर भीम अंधेरे में भोजन कर सकता है तो फिर मैं अंधेरे में तीर क्यों नहीं चला सकता। अर्जुन हर चीज में सीखते थे, बाकी मजा करके मजा उड़ा रहे थे और हंस रहे थे, पर अर्जुन के लिए हर चीज एक सीख थी। अर्जुन बोले ये अंधेरे में भोजन कर सकता है तो फिर मैं अंधेरे में तीर भी चला सकता हूं। उस दिन रात से उन्होंने अंधेरे में तीर चलाने का प्रैक्टिस करना शुरू किया। एक तो अंधेरा था फिर आंख ही बंद कर रहे थे और फिर चला रहे थे निशान लगा रहे थे आंख बंद कर, रात सोते नहीं थे वो, बिकॉज डे दिन में तो गुरुकुल प्रैक्टिस होता, गुरुकुल का सिस्टम था, गुरुकुल का शेड्यूल था, वो प्रैक्टिस करते थे गुरु के अनुसार करते थे, और रात के टाइम पे अपने हिसाब से प्रैक्टिस करते अंधेरे में कैसे काम करते। उसने उनका नाम गुड़ाकेश पड़ गया, गुड़ाकेश जिन्होंने नींद पे निद्रा निद्रा पे विजय प्राप्त कर ली, गुड़ाकेश अर्जुन। दैट्स व्हाई ही बिकेम अ ग्रेट आर्चर, ऐसे ही नहीं बन गए, प्रैक्टिस मेक्स आगे बोलो और वुमेन ओनली मैन परफेक्ट, मैन हो या वुमेन क्या चाहिए उनको प्रैक्टिस। अच्छा कभी आपने चपाती बनाया क्या, चपाती बनाया, चपाती का है चपाती का है कितना चपाती बनाया बच्चों में से, हाउ मेनी स्टूडेंट्स मेड रोल चपाती, ये रोल चपाती वन स्टूडेंट दो स्टूडेंट। ये गर्ल्स को पता होना चाहिए, पेरेंट्स को थोड़ा से संडे संडे कम से कम लड़कियों किचन में ले जाइए, ऐसा ना हो कि उतना पढ़ लिख के डिग्री हासिल कर लिया कुकिंग करना नहीं आता है, खुद बाहर खाना बनाएंगे खुद के लिए भी नहीं खा सकते तो कोई फायदा नहीं। गर्ल्स को घर का काम भी आना चाहिए ये भी आना चाहिए, मल्टी रोल्स प्ले करना चाहिए। तो गर्ल्स के लिए आप थोड़ा कम से कम संडे संडे थोड़ा टाइम निकल के सिखाइए कुकिंग वगैरह। तो जब चपाती हम बनाते हैं ना, जब फर्स्ट टाइम चपाती बनाया था आपने, ऐसे ऐसे रोल की चपाती घूम रहा था क्या फर्स्ट टाइम, ऐसे ऐसे किया चिपक गया उसी के ऊपर है ना, वो क्या बोलते हैं इसको, बेलन बेलन,
बहनों छुपल जाता है, फिर वो निकाल देते वापस निकाल, फिर गोल करती है, फिर करते हैं, होते ही थोड़ा दिन होता है, फिर हमको बोल नहीं आता, करते हैं ऐसा करते हैं, और ही रहता है, घूमता नहीं है, फिर हम घूम जाते हैं इधर से फिर इधर से, उस दिन हम घूमते हैं, फिर हम सोचते हैं हम क्यों घूमे, फिर हम वो नीचे के रहता है ना क्या ओटा, उसे घुमाते हैं, उसे घुमाते हैं, बोल पटा उसे घुमाते हैं, फिर करते 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 सोली सोली ऐसा होता है कि फिर हम ऐसे करते रहते चपाती घूमता है। फर्स्ट डे में होता है कैसे? कुछ भी फर्स्ट डे में नहीं होता है, कोई भी फर्स्ट डे चैंपियन होता नहीं, चैंपियन बना जाता है, चैंपियन पैदा नहीं होता है, कोई चैंपियन पैदा होता है नहीं है, चैंपियन अपने आप को बनाना पड़ता है, और जो प्रोसेस है उसके लिए पेशेंस लगता है, धैर्य, धैर्य और पेशेंस, अगर हम उन्हें आज क्या करना है ऐसा होगा नहीं, करत 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 करत, ओके वो कहावत है करत करत अभ्यास के अवगढ़ होत सोपा, अवगढ़ होत सोपा, बार बार अभ्यास करने से ही मुश्किल चीजें आसान होती है, पहले दिन पे होने वाले नहीं, फर्स्ट डे सब कुछ असंभव ही लगता है, पहली बार हर चीज मुश्किल लगता है, असंभव लगता है, पर जो उस व्यक्ति बार बार उसे करता रहता है उसके लिए वो आसान हो जाता है, वो लगता है इसमें तो ऐसे आसान है, तो प्रैक्टिस है, तो प्रैक्टिस तुम्हें करो ना, प्रैक्टिस तुम भी हो जाएगा, एनीथिंग कैन बी लर्न दिस वर्ल्ड, तो पढ़ाई में बड़ी बात है नहीं, वो मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, एसएसटी हो, व्हाटएवर इंग्लिश, तो कुछ बच्चों को फोबिया होता है, मैथ्स फोबिया, साइंस फोबिया, इंग्लिश फोबिया, है ना, एक पर्टिकुलर विषय से डर लगता है, ये मेरे को नहीं करना है, और जनरली वही सब्जेक्ट लेके बैठते हैं पढ़ने के लिए जो उनको आसान लगता है, एंड अगर मुझे साइंस पसंद है तो वही लेके बैठूंगा, मुझे मैथ पसंद है वही लेके दिन भर करता रहूंगा, पढ़ाई बहुत कर रहा हूँ पर एक ही विषय पढ़ रहा हूँ, दो ही विषय पढ़ रहा हूँ जो मुझे पसंद है, बाकी हम पढ़ते नहीं है, ये सही है गलत है, जल्दी बोल सही गलत है, गलत है, जो हमको पसंद है वही लेके बैठेंगे तो टोटल स्कोर घट जाएगी ना, जो पसंद है तो करना ही चाहिए, जो पसंद है वो तो करना ही चाहिए, पर बाकी सब्जेक्ट में तो स्कोर को ऐड कर रहे हैं ना, आपको ये पता होना चाहिए फैक्ट, ये सारे सब्जेक्ट मिला के मेरा स्कोर बनता है, कोई एक या दो सब्जेक्ट स्कोर बनता नहीं है, भले ही बाकी सब्जेक्ट मुझे पसंद हो या ना हो, क्योंकि वो मेरे मकसद को पहुंचाने में मदद करने वाले हैं, उनकी बिना यहां तक पहुंच नहीं सकता, उन्हें करना ही पड़ेगा, तो सीख लो, देखो भैया वो क्यों नहीं हो रहा है, अगर मेरा मैथ्स नहीं हो रहा क्यों नहीं हो रहा है, क्या बेसिक क्लियर नहीं है मेरा, मुझे ये नहीं आता क्या, ये नहीं आता क्या, ये नहीं आता, ये चीजें नहीं आती उसे ये नहीं कर पा रहा, उसको लिस्ट आउट करो, उसके ऊपर काम करो, उसके लिए क्लास लगाओ, हम सिर्फ वो सब्जेक्ट के लिए पढ़ते, सब्जेक्ट पढ़ने के लिए जो बेसिक चाहिए जिसकी वजह से हम वो नहीं कर पा रहे उसको हम ध्यान देते हैं, वो कैसे समझेगा, हर एक बच्चे के लिए डिफरेंट होगा, वो आपको ही समझेगा, किसान को समझेगा, जब आप पढ़ते हो जब क्लास में मतलब देखना कि सर जब पढ़ा रहे हैं तो क्या चीजें आपको क्लिक नहीं होता है, सर ने ये बताया, पर कुछ कुछ चीजें ऐसे जब भी वो टॉपिक आता है आपको दिमाग क्लिक होता है, वो क्या है तुरंत नोट कर लेने का, ये बात पता नहीं क्या बोलते हैं, हर बार समझता नहीं है मुझे, लिख लो जो जो छोटी छोटी बातें समझता है लिख लो उस क्लास के अंदर, और उन चीजों पर काम करो, घर पे आकर टीचर से पूछो, मम्मी से पूछो, पापा से पूछो, उससे आता है उनसे पूछो, उसको क्लियर करो, थोड़ा थोड़ा बेस आप क्लियर करते रहेंगे, और किसका क्या बेस कमी है वो आपको ही पता चलेगा, किस और को समझेगा, ऐसा आपको काम करना पड़ेगा स्ट्रेटेजिकली, तब जाके आप कवरअप करोगे, फिर वहां तक पहुंचोगे, 100% एफर्ट्स डालोगे, अब 100% एफर्ट्स मतलब ऐसा नहीं है पेरेंट्स से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, उनको लगेगा बच्चा घर पे जैसा आया तब से लगे सुबह स्कूल जाने तक लगातार पढ़ाई, एफर्ट्स एफिशिएंट तभी होंगे, देखिए ये दिमाग मशीन की तरह है, तो मशीन को बीच बीच में रोक के ऑयल डालना पड़ता है, ल्यूब्रिकेशन करना पड़ता है, नहीं तो क्या होगा मशीन जल्दी खराब हो जाएगा, लगातार काम करेगा, देयर इज अ नीड ऑफ ब्रेक्स, सिस्टमैटिक ब्रेक्स होने चाहिए, तो बच्चों के लिए वो जो
मशीन को जो ब्रेक्स लगते हैं वो देना पड़ेगा, लुब्रिकेशन करना पड़ेगा। अब सारा के लुब्रिकेशन का है, आधा घंटा ब्रेक लिया क्या? मान लो यार ऐसे ही बताया, 2 घंटा पढ़ाई के आधा घंटा ब्रेक लिया। अब ये आधे घंटे के ब्रेक में आप क्या करोगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एफिशिएंट बनाने के लिए आधे घंटे के ब्रेक में आप क्या करोगे? उस आधे घंटे ब्रेक में अगर बच्चे को मोबाइल में गेम खेलने दोगे या फेसबुक इंस्टाग्राम दोगे तो आप बर्बाद कर रहे हो उसको, बिकॉज जो भी इनपुट जाएगा वही आउटपुट आएगा। अगर इसको इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाना है तो इसके अंदर ऐसा इनपुट जाना चाहिए जो अर्